हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल का आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का अप्लाइड मैथमेटिक्स वन का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस पेपर में लेकर आएँ। और यहाँ पर मैं एक मॉडल पेपर के जरिए आपको उस आर्ट को बताऊँगा जिसके जरिए आप इस पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर टोटल 6 बिट्स हैं और सारे के सारे कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, यानी यहाँ पर ऑप्शनल कुछ भी नहीं है। और उसमें से जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के हैं एंड उसके बाद के 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी एग्जामिनर है ना वो आपके ये 6 क्वेश्चन को देख के समझ लेगा आपको कितना आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उसको एकदम अच्छे से सजा के लिखिए, क्योंकि अगर आप आगे कुछ गलती करते हैं ना तो वो इग्नोर हो सकता है। पहला जो इंप्रेशन है वही आखिरी इंप्रेशन होगा, इसलिए क्वेश्चन 1 एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए आपको इसमें से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 आजू बाजू देख लीजिए अगर चांस मिलता है आपको तो, ठीक। बट पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना। देखिएगा, अब जैसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 7 cos hyperbolic x 8 sin hyperbolic x = 1 एंड वी हैव टू फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसे सीधा लिखना शुरू करते हैं, 7 * देन cos hyperbolic x की जगह e^(x + e^-x)/2। ऐसा मत कीजिए, पहले आप मेंशन कीजिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देन इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। वैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ पर z = x^y + y^x है, तो बहुत लोग जब z/∂x फाइंड करते हैं तो सीधा डेरिवेटिव का आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, आप एक एक टर्म बताइए कि भाई z/∂x देन x^y प्लस z/∂x देन y^x, इसके बाद उसे लिखिए। तो ऐसा आप सिस्टमेटिक पहले क्वेश्चन को लिखिए, आगे के क्वेश्चंस में आप जंप मारेंगे चलेगा, पर यहाँ में अगर आप एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। देखिएगा, ये आपको 6 के 6 क्वेश्चंस मतलब कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने एक दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जो आगे के 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई 3 अटेम्प्ट्स करना है ना, बहुत लोग क्या करते हैं आगे के क्वेश्चंस देखते ही नहीं है, सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाँ तीनों है तो शुरू कर देते हैं। अब होता ये है कि जब आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट करते हो, तीसरे में अटक जाते हैं, तब तो आपका दोनों का टाइम वेस्ट हो गया, समझ रहे हैं। ये गलती कभी मत करना, बहुत लोग 80% लोग ये गलती करते हैं। कभी भी आप सबसे पहले जो 5 के 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 3 बिट्स हैं, है ना, तो अभी मैं ये 3 बिट्स में देख रहा हूँ कि एक ठीक है, ये वाला किसका है, रूट का आया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये PAQ नॉर्मल फॉर्म आया है, यानी ऑयलर्स थ्योरम पे आया है, ठीक। अब PAQ नॉर्मल फॉर्म में हर एक का P और Q अलग अलग आंसर आता है, ये आपको पता ही होगा। फिर मैं देखूंगा कि इससे इन 3 बिट से कोई और ईजी भी है क्या, तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है, देन एक मैक्सिमम मिनिमा है, एंड देन इसके बाद एक नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन पे है। आपको सबसे पहले इस तरह ऑब्जर्व कर लेना है कि जितने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 3 कौन से सबसे इजी वाले हैं, तो आप उन्हें पहले सिलेक्ट कीजिए, देन आप क्वेश्चन को आंसर को लिखना शुरू कीजिए। कभी भी आप कोई भी बिट सिलेक्ट करके फटाक से लिखना शुरू कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें होता ये है ना कि आप कोई भी 2 सॉल्व कर लिए, तीसरा आया नहीं, तो आपका 2 का टाइम पूरा वेस्ट हो गया। आप फिर नया क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा 3 सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले ये एनालाइज करना 5 मिनट देके कि आपको 3ों बिट्स अच्छे से आते हैं कि नहीं, अगर आते हैं तो अटेम्प्ट कर लेना और ट्राई करना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जिसमें बिट्स कम हो, ठीक। ये पॉइंट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, आपको पढ़ना भी होगा। मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए आपको कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो 6 बिट्स हैं उन्हें एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कुछ बिट्स नहीं आते तो यहाँ वहाँ से देखिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, अब बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से 3 जो सिलेक्ट करने हैं उन्हें सिलेक्ट करने के पहले देख लेना कि आपको 3ों बिट्स आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो बता रहा, ध्यान से देखिए, अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जहाँ जहाँ आपके मिड स्टेप्स में, जैसे यहाँ पर देखिए ये 3rd क्वेश्चन है जैसे, हाँ तो यहाँ पे a+ib^n एंड a-ib^n का सम करना है, तो जब आप इसके इसके आंसर को फाइंड करेंगे तो उसे बॉक्स में पैक कर दीजिए एंड उसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, फिर इसके आंसर को फाइंड करेंगे तो उसको बॉक्स में पैक कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ठीक है, देन दोनों को ऐड कीजिए। ये शुरू में ऐसा करना, आगे में बॉक्स में पैक नहीं करेंगे चलेगा, अगर आपको टाइम बच जाता है देन आप वो चीज़ कर सकते हैं। बट याद रखना, हर एक स्टेप में जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि जैसे मैं रफ वर्क करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब कोई कोई क्या करता है इसमें पास्कल ट्रायंगल सीधा यूज करता है एक्सपांशन के लिए, तो अगर आप पास्कल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं 6 तक वाला, तो बाजू में उसी जगह जहां पे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं ना, उसी जगह पास्कल ट्रायंगल दिखाइए कि भाई मैं पास्कल ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ। कहाँ तक यूज कर रहे हैं आप इसको,
सिक्स मतलब पावर तक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दिखाना होगा कि आप जो भी आप पास्कल ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कोफिशियंट्स के लिए वो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये चीज़ नोट कीजिएगा, जो भी रफ वर्क है उधर ही बॉक्स में पैक करके आप दिखाइए। अब जैसे एक्सपांशन में भी ऐसा होता है कि जब आप एक्सपांड करते हैं तो जो कोफिशियंट आप कैलकुलेट करते हैं उसको आप रफ में पीछे दिखाते हैं, ऐसा मत कीजिए, टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो उस कैलकुलेशन को उधर ही दिखाइएगा। तो ये थे कुछ ट्रिक्स। सो इसके साथ यहाँ पर अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और बेस्ट।